आप सभी ने भविष्य मंडलिका के प्रेडिक्शंस के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि अमेरिका का एक कार्टून शो है जिसने बहुत बार एक्यूरेटली फ्यूचर प्रेडिक्शंस की है, एंड इस कार्टून का नाम है द सिम्पसंस। ये एक अमेरिकन एनिमेटेड सिटकॉम है जो बेसिकली अमेरिकन लाइफ एंड कल्चर के ऊपर बेस्ड है। द सिम्पसंस फैमिली के मेन कैरेक्टर्स हैं होमर, मार्ज, ब्रैट, मैरी एंड लिसा। द सिम्पसंस एक फिक्शनल सिटकॉम है जिसमें कभी कभी कुछ ऐसे एपिसोड्स आते हैं जो उस वक्त में तो लगता है फिक्शनल ह्यूमरस जोक है, लेकिन सालों बाद पता चलता है कि वो फ्यूचर प्रेडिक्शंस थी। एंड इसीलिए इस कार्टून के क्रिएटर मैट ग्रोएनिंग को टाइम ट्रैवलर बोला जाता है। तो आज मैं आपके लिए 12 प्रेडिक्शंस लेके आया हूँ फ्रॉम द सिम्पसंस शो जो ऑलरेडी सच हो चुकी है, एंड एंड में एक बोनस प्रेडिक्शन भी है जिसे सुनकर आप ओवरवेल्म हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सिम्पसंस का सीजन 6 एपिसोड 19 जो साल 1995 में एयर हुआ था, उसमें वीडियो कॉलिंग एंड फेस टाइम के बारे में प्रेडिक्ट किया गया था। इस एपिसोड में लीजा एक फॉर्चून टेलर से मिलती है जो उसे 15 साल फ्यूचर में लेके जाता है जहां इंसान कंप्यूटर्स एंड मोबाइल के थ्रू वीडियो कॉलिंग में बात करते हैं। एंड इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि लीजा अपनी माँ से वीडियो कॉल में बात कर रही है। लेकिन इस प्रेडिक्शन से ज्यादा स्केरी इसका टाइमिंग है, बिकॉज वीडियो कॉलिंग इंट्रोड्यूस हुआ था साल 2010 में, जो एग्जैक्टली 15 साल बाद है 1995 जिस साल ये एपिसोड एयर हुआ था। एंड इसी सेम एपिसोड में लीजा का फियांसे एक फ्यूचरिस्टिक वॉच यूज करता है कॉल करने के लिए, एंड उस दिन के 19 साल बाद एप्पल, गूगल, सैमसंग जैसी कंपनीज मार्केट में स्मार्ट वॉचेस लेके आए जिससे हम कॉलिंग, मैसेजिंग, ईमेल सेंड एंड रिसीव सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन 1990s में ये सब के बारे में सोच पाना भी अपने आप में बहुत फिशी है। जहां तक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रेडिक्शंस की बात है, 1994 में सीजन 5 एपिसोड 13 रिलीज हुआ था जिसमें होमर ने एक काउबॉय हैट पहना था जिसके अंदर एक छोटा सा कैमरा फिट किया हुआ था फॉर स्पाइंग मिशन। एंड इस एपिसोड के 20 साल बाद मार्केट में गोप्रो कैमरा आई जो केपेबल था ऐसे छोटे से जगह में फिट होने में एंड हाई रेजोल्यूशन वीडियोस निकालने में, जो आज के समय एथलीट्स यूज करते हैं अपने वीडियोस के लिए। सीजन 2 एपिसोड 4 में बार्ट नदी में मछली पकड़ने जाता है और ये नदी एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास था। एंड कुछ देर बाद बार्ट ने एक मछली पकड़ी जिसकी 3 आंखें थी, बिकॉज वो मछली न्यूक्लियर रेडिएशन के वजह से म्यूटेटेड हो गई थी। एंड सरप्राइजिंगली इस एपिसोड रिलीज के 10 साल बाद अर्जेंटीना में एक वाटर रिजर्वर में एक मछली मिली जिसकी 3 आंखें थी, एंड इस रिजर्वर का पानी न्यूक्लियर पावर प्लांट से आता था। एंड ये दिखाता है कि द सिम्पसंस शो कितना एक्यूरेटली प्रेडिक्ट किया अपकमिंग एनवायरमेंटल क्राइसिस को। 1991 का सीजन 2 एपिसोड 18 में दिखाया जाता है फेमस बैंड द बीटल्स का ड्रमर रिंगो स्टार सालों पुरानी फैंस की चिट्ठियां का रिप्लाई दे रहा है, एंड 22 साल बाद 2013 में जब दो बीटल फैंस को उनकी भेजी हुई चिट्ठी और सॉन्ग रिकॉर्डिंग्स का जवाब मिलता है 50 इयर्स बाद, बिकॉज लंदन के एक थिएटर में ये चिट्ठियां गायब हो गई थी बीटल्स का एक परफॉर्मेंस के दौरान। लेकिन बाद में हिस्टोरियंस को ये लेटर्स मिली एंड उन्होंने इसे बीटल्स तक पहुंचाया। ये प्रेडिक्शन थोड़ा सा क्रिपी है, बिकॉज 1998 में सिम्पसंस का एक एपिसोड द विजर्ड ऑफ एवरग्रीन टेरेस में दिखाया जाता है कि होमर एक कैरेक्टर प्ले कर रहा है जहां वो आइंस्टाइन जैसा जीनियस है, एंड वो ब्लैक बोर्ड पे एक इक्वेशन लिखता है जो क्लेम करता है कि ये इक्वेशन हिग्स बोसन के मास को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सकता है। एंड 2013 के एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के बाद जिसमें $13 मिलियन का खर्चा आया था, प्रूफ किया कि सिम्पसंस में दिखाया हुआ इक्वेशन रिलेटेड है एक्चुअल इक्वेशंस के साथ। 2010 का एक सिम्पसंस एपिसोड में दिखाया जाता है कि मार्टिन, लीजा, मिलहाउस एंड डेटाबेस अपने बीच बेटिंग करते हैं कि अगला नोबेल प्राइज किसको मिलेगा, एंड अकॉर्डिंग टू दैट एपिसोड इकोनॉमिस्ट जगदीश भागवती पे बेट लगाया जाता है। लेकिन ये लिस्ट पे जगदीश भागवती के अगला ही नाम रहता है बैंक्ट होमस्ट्रॉम का, जिनको उस एपिसोड के 6 साल बाद 2016 में इकोनॉमिक्स में एक नोबेल प्राइज मिलती है। एंड ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि कैसे सिम्पसंस के मेकर इतनी एक्यूरेटली कोइंसिडेंसेस पे पहुंच रहे हैं। 2017 के एक एपिसोड में होमर एक ड्रैगन को जिंदा करता है
एंड ये ड्रैगन एक पूरे के पूरे गांव को आग लगा देती है एंड सबको जला देती है। ये एपिसोड मॉकरी था फेमस अमेरिकन टीवी सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स का। ये सिम्पसन्स का एपिसोड प्रेडिक्ट किया था गेम ऑफ थ्रोन्स के सीजन फिनाले को, जहां डेनेरिस जो जीओटी की मेन कैरेक्टर है वो पूरे किंग्स लैंडिंग के सिटी को जला देती है अपने ड्रैगन्स को यूज करके, इवन आफ्टर उसके सारे एनिमीज ने सरेंडर कर दिया। बट गेम ऑफ थ्रोन जैसे एक फेमस एंड क्लासिक सीरीज का एंडिंग प्रेडिक्ट करना कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। सिम्पसन्स के सीजन 11 एपिसोड 17 में लीजा एक अनयूजुअल कमेंट करती है जो प्रेडिक्ट करता है कि डोनाल्ड ट्रंप यूएसए का प्रेसिडेंट बनेगा। बट उस समय ट्रंप अमेरिका में प्रेसिडेंसी के लिए एक रैशनल चॉइस नहीं था, वो हमारे राहुल गांधी जैसा था एंड सब ने इस बात को एक जोक के तरह लिया। बट शॉकिंगली 2016 में ट्रंप ने अमेरिका का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत लिया एंड वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। सिम्पसन्स का एक एपिसोड था टाइटल व्हेन यू डिश अपॉन अ स्टार, जिसमें दिखाया जाता है कि वॉल्ट डिज्नी 20th सेंचुरी फॉक्स प्रोडक्शन हाउस को खरीद लेता है एंड सिम्पसन्स की प्रोडक्शन हाउस का पेरेंट कंपनी भी फॉक्स ही है एंड इस कार्टून ने कई बार फॉक्स स्टूडियोज का मजाक उड़ाया है। एंड इस एपिसोड में भी एक सीन रहता है जहां फॉक्स स्टूडियोज के एंट्रेंस में एक बोर्ड लगा रहता है जिसमें लिखा होता है अ डिविजन ऑफ वॉल्ट डिज्नी कंपनी। सबने इसे मजाक में लिया बट फाइनली 2018 में कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ एंड इस बार सच में डिज्नी फॉक्स स्टूडियोज को खरीद लिया एंड तब से सिम्पसन्स डिज्नी कैरेक्टर्स बन गए। सिम्पसन्स का एक एपिसोड फीफा में करप्शन दिखाता है। फीफा की तरफ से होमर को रेफरी के लिए अपॉइंट किया जाता है बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ स्टाफ इन फीफा, क्योंकि सारे रेफरीज को फीफा फायर कर देती है ड्यू टू करप्शन। इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि होमर रेफरी बनता है एंड उसे भी ब्राइब करने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो ऑनेस्टली अपना रेफरी का काम करता है एंड जर्मनी फीफा वर्ल्ड कप जीतती है। एंड मजे वाली बात यह है कि रियलिटी में जर्मनी फीफा वर्ल्ड कप जीतती है, बट शॉकिंगली इस वर्ल्ड कप के बाद बहुत सारी अरेस्ट होती है एंड सबके सामने आता है कि फीफा ऑर्गेनाइजेशन में कितनी करप्शन है जो सालों से अननोटिस जा रही थी। सिम्पसन्स ने अपने एक एपिसोड में प्रेडिक्ट किया कि नासा आम इंसानों को भी स्पेस में भेजेगी टू गेन पब्लिक अप्रूवल एंड 2013 में ये प्रेडिक्शन सच साबित हुई जब यूनाइटेड किंगडम में एक ओपन फेयर ऑर्गेनाइज किया गया जहां स्पेस एजेंसीज ने प्रॉमिस किया कि वो ऑर्डिनरी लोगों को भी एस्ट्रोनॉट्स बनाएंगे एंड कुछ इंटरव्यूज एंड हार्डकोर टेस्टिंग के बाद 23 लोगों को सिलेक्ट किया गया एंड उन्हें फाइनली स्पेस में भेजा गया। और आप अगर अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए बोनस प्रेडिक्शन जो सच हुआ है वो है सिम्पसन्स के एक एपिसोड में दिखाया कि लोगों को एक बीमारी हो रही है जो बहुत कंटेजियस है एंड इसका नाम था ओसाका फ्लू, जो छींकने से दूसरे लोगों में कुछ ही देर में ट्रांसमिट हो रही थी। एंड ये प्रेडिक्शन भी सच साबित हुआ जिसे 2020 में सबने फेस किया एज कोरोना वायरस। ये सारी सिम्पसन्स की प्रेडिक्शंस थी जो अभी तक सच साबित हुई है, लेकिन सिम्पसन्स की और भी प्रेडिक्शंस है जो 2024 एंड 25 में सच हो सकती है। अगर आपको उसके बारे में जानना है तो मुझे कमेंट में बताएं एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। बट बहुत लोगों को लगता है कि हमारे अपने भविष्य मल्लिका में जो प्रेडिक्शंस है वो सारे फेक है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो ये वाली वीडियो देखें जिसमें मैंने भविष्य मल्लिका के पीछे के एविडेंसेस के बारे में बताया है। तो दिस इज मी सोहम, अंटिल नेक्स्ट टाइम।